हम कॉटनग्रो में स्वागत करते हैं फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर सुधीर गोयल जी का। इनका नाम बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हों और इनका नाम ना सुना हो। इनका अनुभव और इनकी कुशलता और इनकी निष्पक्षता और इनका जो अभिगम रहा है एग्रीकल्चर की तरफ बेजोड़ है। बहुत ही सीरियसली इन्होंने अपने रोल को अदा किया है जब वो एक ऑफिशियल पोस्ट पे थे तब भी, और अब भी वो बहुत सारी कैपेसिटीज में एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। काफी किसान उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रस्ट करते हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे अनुभव और कुशलता के मारे थी डॉक्टर सुधीर जी गोयल हमारे साथ में हैं। सुधीर जी, हम अभी एक वेबिनार की सीरीज करने जा रहे हैं FPOs के साथ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो आपके सुझाव क्या होंगे कि क्या हमें एड्रेस करना चाहिए और कॉटन ग्रो के लिए क्या सही रास्ता होगा? तो ये वेबिनार के लिए शुभेच्छा जी। इस समय कोविड के टाइम में यही एक सबसे अच्छा माध्यम है जो किसानों तक पहुंच रहे हैं, और काफी किसान भाई भी इस माध्यम को अब अच्छी तरह समझते हैं। ये टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन इतना अच्छा हुआ है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो या लैपटॉप के माध्यम से हो, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। तो जो सीरीज आप शुरू करने जा रहे हैं उसका फायदा यदि किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए होता है तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसान इस तलाश में ही रहते हैं कि कोई तो उनको ऐसा गुरु मंत्र सिखाए कि जिनसे कि उनकी तकलीफें कम हो। उनकी तकलीफें तीन तरीके की रहती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट किसी तरीके से कम हो, उसके साथ में प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े, और जो उनको अंतिम अपने उपज का मूल्य मिल रहा है वो ज़्यादा मिले। तो ये तीन ही चीज़ों में यदि हम मदद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपका तो कॉटन ग्रो में बहुत पुराना अनुभव है और इस अनुभव का आपने फायदा किसानों तक पहुंचाया है, और कॉटन हमारे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्रॉप है। 40 लाख हेक्टेयर तक हमारा उसमें रकबा जाता है, पूरे देश का 1/3 एरिया अपने पास है। हमारी प्रोडक्शन 1/4 से नीचे रहती है, ये बहुत दुख की बात है। इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास के राज्य हैं गुजरात हैं उनसे कम है। उनका प्रोडक्टिविटी शायद इरिगेशन की वजह से ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो पहला काम जो वेबिनार के थ्रू किया जा सकता है कि किसानों का उत्पादन किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के साथ उत्पन्न जिसके हम हमेशा बात करते हैं कि नेट रिटर्न्स फार्मर्स के पास हों वो बढ़ें, तो वो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये तीनों बिंदु पे यदि हम काम करें तो किसान वेबिनार के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। साथ में ये भी मुझे सुझाव देना होगा कि वेबिनार में जो नए डेवलपमेंट्स भारत सरकार कर रही है, नई तरीके से मार्केटिंग के कुछ नियम लाए गए हैं, कुछ रिफॉर्म्स उसमें हैं, अब किसानों को हर समय मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मंडी के बाहर भी, और जिनर्स को अपना माल डायरेक्टली पहले भी बेचते थे लेकिन अब ज़्यादा खुले तरीके से बेचा जा सकता है, एक्सपोर्ट्स किया जा सकता है, कॉटन को बेल्स में कन्वर्ट करके उसको गोडाउन्स में रख के प्लेज लोन लिया जा सकता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे कि किसानों को ये कॉटन के बारे में और ज़्यादा तरीके से बताया जा सकता है। कॉटन तो एक क्रॉप हुई, महाराष्ट्र की बाकी ही सब क्रॉप में अच्छा काम हो सकता है। वेबिनार के बारे में और यदि आप कुछ जानना चाहें तो मुझे खुशी होगी। जी नहीं, आप जब भी हमने आपको अप्रोच किया है आपने बहुत अच्छा गाइड हमको किया है, और कृषि के क्षेत्र में जो आपका जो अनुभव है उसका लाभ आपने कॉटन ग्रो को हमेशा दिया है। हमारी यही कोशिश रही है सुधीर जी, अब तक जो हमारा 15 साल का किसानों के साथ में डायरेक्ट अनुभव है कि एकजुट होके कुछ भी करें तो बहुत फर्क पड़ता है,
दूसरा एक पॉजिटिव और एक निष्पक्ष इंटेंशन से हम अगर कुछ काम करेंगे तो उसका अच्छा असर बहुत जल्दी से फैलता है। और मूल जो बातें हैं, जो आपने तीन बातें बताई कि खर्च कैसे कम करे, एक्सपेंडिचर आपका कम हो और आपका उत्पन्न, आपका यील्ड बढ़े, आपका क्षेत्र ना बढ़े पर आपका यील्ड बढ़े, आपकी गुणवत्ता बढ़े और अल्टीमेटली आप अच्छे खरीदार तक पहुंच के उसे अच्छे भाव पे सही समय पे अगर बेच सको तो मुझे नहीं लगता है कि किसान को कृषि में कभी नुकसान हो सकता है। और कॉटन गुरु की यही कोशिश रही है, इस साल भी हमने जो बल्क बाइंग का जो प्रयास किया था सीड और फर्टिलाइजर में, बहुत से एफपीओस ने बहुत उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया और हमने उनको सप्लाई लिंकेज भी बना के दी। अब ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपने बताई, आप सरकार में रह चुके हैं, सुधीर जी और अभी भी जुड़े हैं कई सारी स्कीमों में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नोडल ऑफिसर हो जिसको फॉलो करे, या किसान अपने, या कोई एफपीओ किसी सीओ को अपॉइंट करे और वो ये काम करे, एफपीओ मिलके कलेक्टिवली कोई सीओ को अपॉइंट कर सकते हैं, क्या राइट अप्रोच होगा गवर्नमेंट स्कीम का अधिकतम बेनिफिट लेने का? गवर्नमेंट की स्कीम को एक मिनट के लिए बाजू को रखें, पहली बात तो यह है कि किसान अपने आप क्या कर सकते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान अपने साथ एक साथ होकर, किसानों ने अपने संगठन बनाए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, कॉटन की फेडरेशन है, उसमें सोसाइटीज हैं, काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में काम चल रहा है। तो अपनी उपज को इकट्ठा यदि कर सकें, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक किसान का क्षेत्र काफ़ी कम होता है और उसमें जो वॉल्यूम्स तैयार होते हैं वो एक्सपोर्ट्स के लिए या किसी बल्क सेल के लिए उतने ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो वो इकट्ठा आना। और महाराष्ट्र में तो 3000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें से कम 25% से 30% ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिसमें किसान कपास की खेती करते हैं, तो ऐसे जो संगठन हैं उन लोगों को कुछ आगे बढ़कर अपनी कपास को इकट्ठा करके उसको जो पास में उनके जिस एरिया में वो काम करते हैं जो अच्छे जिनर्स हैं उनसे उसके बेल्स तैयार करके उसको यदि वो किसी गोडाउन में रखते हैं तो उसके ऊपर बैंकों से लोन मिलने की एक योजना है जिसको प्लेज लोन स्कीम बोलते हैं। 60-70% जो उसका मार्केट प्राइस है वो उनको मिल सकता है। अब इसमें सवाल उठता है कि यदि MSP ज़्यादा है और लोकल मार्केट रेट कम है तो उसके बारे में क्या किया जाए? तो ऐसे में सभी पूरा माल तो कोई भी एजेंसी उठा नहीं पाती है, लेकिन जो माल MSP में चला जाएगा वो तो ठीक है, जो नहीं जाएगा उसको औने पौने दामों में बेचने की बजाय यदि उसको बेल्स में कन्वर्ट करके और ऐसे गोडाउन्स में रखा जाए और उसके ऊपर जो हमको बैंक से लोन मिलता है उसको किसानों में 60-70% तक उनका अपफ्रंट बांट दिया जाए और उसके बाद जब भाव बढ़ते हैं तब उसको मार्केट में बेच के और बाकी बचा हुआ पैसा पहले से भी ज़्यादा और हो सकता है MSP से भी ज़्यादा उनको हम दे सकें। भविष्यकाल में क्या रेट है ये भी आजकल फ्यूचर मार्केट से आपको मालूम चलता है कि कपास के आगे चल के दाम कैसे चल रहे हैं, तो वो एक काम उसमें किया जा सकता है। और ये इस काम में जो महाराष्ट्र शासन की जो एक योजना है वो स्मार्ट करके एक नई योजना है, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें FPOs को मदद मिल सकती है, वो किसी जिनर से जुड़ सकते हैं और इसमें कॉटन गुरु भी उनकी काफ़ी अच्छी मदद कर सकता है और उसके साथ भी उनका यदि संबंध हो जाता है तो काफ़ी खुद की जिनिंग लगाने के लिए भी उनको मदद मिल सकती है। इस तरीके के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सैंक्शन हो सकते हैं, यानी किसानों की अपनी एक जिनिंग फैक्ट्री हो ऐसा भी वो लोग सोच सकते हैं। इस तरीके की योजना है जिसमें कि 60% तक जो उसकी पूरा खर्च है वो शासन देता है और किसानों को खुद का सिर्फ 40% अपना खड़ा करना होता है, बैंक से ले सकते हैं या अपने आपस में उसको जमा कर सकते हैं, तो ये काम भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा साथ में शासन के किया जा सकता है कि FPO को अपनी इनपुट शॉप के लिए लाइसेंस मिल सकता है, वो अपने फर्टिलाइजर सीड्स और पेस्टिसाइड्स के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं,
रिपेरिएशन के लिए भी उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और वो अपना किसानों की डिमांड को इकट्ठा करके किसी बड़ी कंपनी के साथ यदि बात करते हैं, और उसमें कॉटन गुरु जैसे जो सेवाभावी संस्था है वो भी उन लोगों को मदद करें, तो बड़ी कंपनी की तरफ से सस्ते दाम में कुछ डिस्काउंट लेके सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स मिल सकते हैं, और वो काम भी किया जा सकता है। तो ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन में भी आपको अभी कुछ एरिया में 55% कुछ जगह 75% तक सब्सिडी मिलती है। आपका सवाल ये था कि इसमें जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रहता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा नाम की संस्था रहती है कि जो कि कृषि विभाग में कार्यरत रहती है, और राज्य स्तर पर पूना में भी है। तो अपने अपने जिले के जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऑफिस में जो आत्मा के अधिकारी हैं उनसे यदि बात की जाए तो FPOs को उनमें काफी मदद मिल सकती है। जी जी, बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये जानकारी किसानों तक और बहुत सारे FPO तक भी नहीं है, तो संगठित होकर करना अच्छी बात है, लेकिन सुयोजित करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको प्लानिंग से काम करिए, और हमने जो बल्क बाइंग की इस साल बहुत सारे FPO ने अप्रिशिएट किया, और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग की जो आपने बात की, हम वैल्यू एड करके कपास के बदले रुई की गठान भी बनाए, तो जो इतना डी वैल्यू भाव से कपास जो बिकता है उससे हम बच भी सकते हैं, ये भी हम प्रयास इस साल करने वाले हैं। तो सुधीर जी, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ में रहे, यही शुभकामना, और आप बहुत अच्छा काम और करते रहो, ये हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, और इस वेबिनार में आप हमारे साथ में रहिएगा, कहीं भी आपको कुछ भी गाइडलाइंस और देने जैसी लगे तो जरूर बताइएगा, बिकॉज किसानों के साथ हमने इतना समझा है कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पे इतने साल से ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कॉटन गुरु ना उनको कभी कुछ बेचा है, ना उनसे कभी कुछ लिया है, ना कुछ खरीदा है, और यही इंप्रेशन सुधीर जी गोयल की भी है, ये बिना अपेक्षा के काम करते हैं, बिना अपेक्षा के सलाह देते समय ये नहीं सोचते कि मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, जो सही है वही बताते हैं, इसीलिए आपके साथ में हमें हमेशा रहना ये ऐसा लगता है कि आप जुड़े रहो, तो किसानों के लिए कोई भी योजना हम साथ में लेके कर सकते हैं, तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, और इस वेबिनार में हम आपके साथ की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।